গৌরব গগৈ বক্তব্যৰ পিছতে সদনত ভাষণ দিবলৈ আগবাঢ়ে বিজেপিৰ হৈ সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। নিশিকান্ত দুবেৰ বক্তব্যত অসম চুক্তিৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হয়। सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। स्पीकर सर गौरव गोगोई जब बोल रहे थे इस कांग्रेस पार्टी को शहादत के बारे में, लोगों का क्या बलिदान है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इन्होंने मणिपुर की बात की और पूरे देश को नहीं, पूरे संसद को जो है इन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग में से बहुत लोग मणिपुर नहीं गए होंगे, मणिपुर नहीं देखा है आपने। मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं। मेरे मामा एनके तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गमा चुके मणिपुर में, और 1989-90 में मणिपुर में उनके ऊपर अटैक हुआ, सीआरपीएफ के वो डीआईजी हुआ करते थे। और जो जगमोहन जी ने अपनी किताब लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उसमें उन्होंने 10 बार जिक्र किया है कि यदि एनके तिवारी जैसे अफसर नहीं होते तो शायद कश्मीर नहीं बचा पाते। और वही एनके तिवारी जब मणिपुर में आईजी बनकर गए तो आपकी सरकार ने उसी ओपीएम लॉबी के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने कहा कि ये आप कर सकते हैं। आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, तो उस समझौते का एक पार्ट था कि ये सरकार जो है हटाई जाएगी, आपकी सरकार खत्म की जाएगी। क्या वो समझौते का पार्ट नहीं था? मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि वो समझौते का जो पूरा प्रारूप है इस सदन के अंदर जब अपना जवाब दें तो शायद वो जवाब देंगे। मिजोरम में आपने 7% वोट के आधार पर, केवल 7% वोट के आधार पर, केवल 7% पूरे देश को जानने के लिए है, लाल थनहावला की सरकार बना दी थी। और इसीलिए जब लाल डेंगा के साथ सरकार बनाई आपने, जब उनके साथ समझौता किया तो 7% के साथ आप उसको डेमोक्रेसी चलाने देते। इतिहास में जाइए, इतिहास में झांकिए, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कल राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए ही कब थे? हम लोग भी यहां सारे सांसद बैठे हैं और उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बजट सेशन में यहां आए थे, मार्च अप्रैल में यहां आए थे ना। राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं? थे ना। इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए, राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे, कहां गए थे, किस तरह? निशिकांत दुबे राहुल गांधीक सुप्रीम कोर्टे सत्य सपक्षे मुकलि कर दिया विषय जनाय सदन मजिया। और दूसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है। और तो भी उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, दो चीजें कह रहे हैं। करें मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है, ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे, बड़े आदमी है। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं। आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी भी नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है, आप अपनी तुलना सावरकर से करते, कभी सावरकर नहीं हो सकते। ये जो सवाल है सर, ये INDIA की बात करते हैं। मुझे तो, मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं, और ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA यहां जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया बात कर रहे हैं। निशिकांत दुबे तात्पर्यपूर्ण भावे सदन विरोधी उत्थापन कर अविश्वास प्रस्ताव संक्रांत तात्पर्यपूर्ण मंत्य दांग प्रधानमंत्री अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है,
ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा तो मैंने सोचना शुरू किया सर कि प्रधानमंत्री जी ये बात क्यों कह रहे हैं, हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अपोजिशन वाले अपने विश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं और उसमें वो देखना चाहते हैं कि कौन दल सचमुच उनके साथ है। तो मैं तह पर गया सर कि अविश्वास प्रस्ताव पर कौन कौन पार्टी हमारे खिलाफ है। सबसे बड़ी पार्टी डीएमके है, बड़ा सम्मान करता हूं मैं, करुणानिधि जी का बड़ा योगदान रहा है इस देश को बनाने में। अब आप समय समझें सर कि 1976 में भ्रष्टाचार के आरोप के ऊपर इस कांग्रेस ने करुणानिधि जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया और 80 में जब इंदिरा जी की सरकार बनी तो यही डीएमके उनके साथ हो गई। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर डीला। निशिकांत दुबे आज खदनर मजियात कांग्रेस ज्येष्ठ नेत्री सोनिया गांधी दूटा परामर्श आग बढ़ाए। तू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिक पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना, जिसका नेम ले रहा है वो बोले, ये लोग क्यों बोल रहे हैं? अध्यक्ष जी जिसका नाम लिया जा रहा है वो सदन में मौजूद है, वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है। दूसरे क्यों कर रहे हैं ऑब्जेक्शन? दूसरे क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? वो खुद सदन में मौजूद है, उनको कोई ऐतराज नहीं है। दूसरे ऐतराज करने वाले कौन? निशिकांत दुबे वक्तव्य विरोधिता करिछे अखमर कांग्रेसर सांसद अब्दुल खालेके। ये बीजेपी वाले कोई रूल ही नहीं मानते हैं, सारे अविश्वास प्रस्ताव है मणिपुर के ऊपर। निशिकांत दुबे एक भी शब्द मणिपुर, उनका मामा के बात के अलावा मणिपुर का जो वर्तमान हालत है ये हालात के ऊपर एक भी शब्द नहीं कहा। कैरेक्टर एसोसिएशन उनका कैरेक्टर है, वो सिर्फ कैरेक्टर एसोसिएशन करना जानना चाहते हैं। जो सोनिया जी जो त्याग के प्रतीक है, जो देश के लिए इतना बड़ा त्याग किया, जो कोई पद नहीं लिया, ये सोनिया जी का आलोचना निशिकांत के मुंह से सवा नहीं पते, लेकिन ये उन लोगों का कैरेक्टर है बीजेपी वाले का, वो कैरेक्टर एसोसिएशन जानते हैं और देश के लिए मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के लिए कोई भी शब्द नहीं कहा। जो मेन मुद्दा मणिपुर ही था,